हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल सर्व नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, आज आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके मोबाइल फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही पावरफुल होने वाली है ये वीडियो, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो आपको जाना है अपने सेटिंग में, यहाँ सिम कार्ड मोबाइल डाटा में क्लिक करना है। उसके बाद यदि आप जियो का सिम चला रहे हैं तो फर्स्ट तो जियो का सेलेक्ट कीजिए। जिस भी सिम से आप नेट चला रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे सिम वन पर। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा APN एक्सेस पॉइंट नेम्स, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक पेज ओपन होगा। फिर यहाँ प्लस के आइकन पर हम क्लिक करेंगे, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर यहाँ नेम में आपको सेट करना है जियो स्पेस 4G स्पेस प्रो स्पेस स्पीड, इसको ओके कर देना है। APN में आपको टाइप करना है जियो नेट, ओके कर देना है। फिर ये प्रॉक्सी पोर्ट इसको ऐसे छोड़ देना है। यूज़र नेम में आपको टाइप करना है स्पीड डॉट वी 4G। उसके बाद इसे भी ओके कर देना है। फिर पासवर्ड इसे भी कुछ नहीं करना है इसमें भी। फिर सर्वर में क्लिक करके यहाँ टाइप करना है आपको www.jio4g.com, ओके कर देना है। फिर आपको MMSC इसे भी कुछ नहीं करना है इसमें भी। MMS इसमें भी प्रॉक्सी में कुछ नहीं करना है। MMS रिपोर्ट में कुछ नहीं करना है। MCC में इसको आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन में आपको टाइप में PAP पर क्लिक कर देना है। फिर इसको APN टाइप इसे भी छोड़ देना है। फिर APN प्रोटोकॉल में आपको IPv4/IPv6 पर क्लिक करना है। फिर APN रोमिंग प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये बैरियर का, जिसमें आपको टाइप करना है ये देखो अनस्पेसिफाइड है, तो इसे हम यहाँ से वो कर देंगे, इस पर टिक नहीं करेंगे और LTE पे क्लिक कर देंगे। SH इस पर भी क्लिक कर देंगे। SPA इस पर भी क्लिक कर देंगे। SUPA पे इस पर भी क्लिक कर देंगे। HSDPA इस पर भी क्लिक कर देंगे। UMTS इस पर भी क्लिक कर देंगे। EDGE इस पर भी क्लिक कर देंगे। GPRS इस पर भी क्लिक कर देंगे और सबको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद
आपको सिंपली दोस्तों सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक बार फ़ोन को रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद आपका नेट बहुत ही फास्ट चलने लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। थैंक्स।